दोस्तों, अक्सर जब भी हम गार्डनिंग करते हैं या फिर पौधे लगाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस बात को लेकर कि किस पौधे को किस साइज के गमले या ग्रो बैग में लगाएं ताकि हमें उस पौधे से ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो बैग के बारे में कि किस सब्जी के पौधे को किस साइज के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे, साथ में अलग अलग साइज के ग्रो बैग के बारे में भी बताएंगे ताकि आप जब भी अपने गार्डन में पौधे लगाएं तो उनके लिए ग्रो बैग सिलेक्ट करते समय आपका जो भी डाउट है वह दूर हो जाए और आप जो है उस ग्रो बैग में सब्जियां लगाकर ढेर सारी पैदावार ले पाएं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो आपकी सब्जियां होती हैं उन्हें सही साइज के ग्रो बैग को सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली होना ज़रूरी है। जैसे कि जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाएं तो उन्हें बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, और जो छोटी सब्जियां होती हैं या जो छोटे पौधे होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, इन्हें आप थोड़े छोटे गमलों में या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। साथ में एक बात और मैं बता दूं कि जो सब्जियां आप जितना बड़ा साइज का गमला लेंगे उतनी अच्छी आपकी सब्जी होगी, साथ में उसमें फ्रूट की साइज भी उतनी ही बड़ी होगी। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप यहां कुछ ग्रो बैग देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो सबसे छोटा ग्रो बैग इस्तेमाल होता है गार्डनिंग में, एक आइडियल साइज वह है 12x12। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं 12x12 इंच का ग्रो बैग है, मतलब 1x1 फिट। और इस साइज के ग्रो बैग में आप जो है लगा सकते हैं सब्जियों में टमाटर का पौधा, मिर्च का पौधा, बैंगन का पौधा, साथ में आप इसमें और दूसरे जो छोटे पौधे हैं बेल वाले पौधों को छोड़कर उन्हें आप लगा सकते हैं। जैसे मूली आप इसमें लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं और गाजर भी आप लगा सकते हैं। जो गाजर थोड़ी छोटी साइज की होती है उसे आप लगा सकते हैं और यह इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए कुछ हाइट इसकी इतनी होती है और मैंने अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं तो इसमें एक बैंगन का पौधा भी लगाया है और आप ये देखिए सामने तो ये लगा हुआ है 12x12 इंच के ग्रो बैग में। एक बैंगन का पौधा हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र किया हुआ है और ये 12x12 इंच का ग्रो बैग है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रो बैग आता है वह आता है 12x15 इंच, मतलब 15 इंच इसकी चौड़ाई होती है, हाइट इसकी 12 ही इंच है और इसमें आप दो दो पौधे लगा सकते हैं। बैंगन, टमाटर, मिर्च, इस तरह के जो पौधे होते हैं इनके आप दो दो पौधे लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये मिर्च का पौधा लगा रखा है, एक मिर्च का पौधा साइड में लगा रखा है, एक आप यहाँ लगा दीजिए, तो दो पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट साइज आती है वह आती है 15x15 इंच। ये देखिए आप, ये 15x15 इंच का ग्रो बैग है और इसमें हमने लगा रखा है बैंगन को। तो इस साइज के ग्रो बैग में आप बैंगन, टमाटर, मिर्च को तो लगा ही सकते हैं, साथ में आप इस तरह के ग्रो बैग में जो बेल वाली सब्जियां हैं स्पेशली जैसे करेला है आप उसे लगा सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रो होता है। इसके बाद 15x15 इंच के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रो बैग की साइज आती है वह आती है 18x18 इंच। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं देखिए ये 18x18 इंच का ग्रो बैग है और इसमें हमने केला लगा रखा है, देखिए आप। तो इस ग्रो बैग में आप केला, फ्रूट प्लांट, साथ में जो भी बेल वाली सब्जियां हैं जैसे कि लौकी जिसे आप घिया भी बोलते हैं, कद्दू के बाद आप इसमें गिलकी और करेला, तोरई, ऐसी सब्जियों को लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इसमें वो ग्रो हो जाती हैं। और मैंने इसी 18x18 इंच के एक ग्रो बैग में जो है लौकी को लगा रखा है और यहाँ पे आप देखिए सामने, तो ये 18x18 इंच के ग्रो बैग में हमने यहाँ पे ये लौकी लगा रखी है और लौकी की बेल आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साइज आती है वह आती है 24x18 इंच। तो ये आप देख रहे हैं 24x18 इंच है और इसमें आप लगा सकते हैं फ्रूटिंग प्लांट, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं केला लगा हुआ है, इसमें आप अमरूद, आम, अनार, चीकू और ऐसे ही और भी जैसे लीची, ऐसे फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। और इसकी ग्रो बैग की हाइट कुछ इतनी होती है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो दूर से कुछ ये ऐसा दिखेगा, मतलब इसकी चौड़ाई होती है 24 इंच, मतलब 2 फिट,
और हाइट होती है 18 इंच मतलब 1.5 फिट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी साइज आती है दोस्तों, वह आती है 24x24 इंच मतलब 2 फिट बाई 2 फिट। ये आप देख रहे हैं तो ये 24x24 इंच के ग्रो बैग हैं। इसमें हमने इस देखिए पपाया को लगा रखा है और पपाया की ग्रोथ आप देख ही सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमने एक ड्रम स्टिक को लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये 24x24 इंच का ग्रो बैग है और इस ग्रो बैग में हमने इस ड्रम स्टिक को लगाया है, आप देख सकते हैं। और इसमें अभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत जल्द हम इससे ड्रम स्टिक मिलने लगेंगी। तो इस तरीके से 12x12 इंच से लेके 24x24 इंच तक के ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें ऑनलाइन हमारे गार्डनिंग स्टोर organicbazaar.net से बहुत ही कम दामों में ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वह लिंक भी दे दूंगा जहां से आप इनको ख़रीद सकते हैं और आपको इन ग्रो बैग की साइज़ सेम मिलेगी जो मेरे गार्डन में है। साथ में आपको क्वालिटी भी बिल्कुल सेम मिलेगी और यह ग्रो बैग आप ओपन टेरेस पर भी रखेंगे तो 5 से 7 साल आपको सर्विस देंगे और किसी भी तरह की आपको इनमें शिकायत नहीं मिलेगी। साथ में ये रीयूजेबल होते हैं, एक बार आप पौधे को ग्रो करेंगे उसके बाद आप इसकी मिट्टी को निकाल भी सकते हैं और फिर इसमें फिर से मिट्टी को भर सकते हैं और मिट्टी को निकालना भी काफ़ी आसान होता है। फिर हमारी दोस्तों रेंज शुरू होती है जिसमें हम पत्ते वाली सब्जियों को ग्रो करते हैं, स्पेशली भाजी जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, लाल भाजी, चौरई की भाजी, ऐसी भाजियों को। तो इसके लिए आप ले सकते हैं, जैसे यह आप देख रहे हैं तो 24x9 इंच का ग्रो बैग है, मतलब इसकी हाइट 9 इंच है और चौड़ाई 24 इंच है। इसमें देखिए हमने लाल भाजी लगा रखी है और यहाँ आप देखेंगे तो यह 24x12 इंच है, मतलब यह 1 फिट इसकी ऊंचाई है और 24 इंच इसकी चौड़ाई है। इसमें हमने देखिए अरबी लगा रखी है, यहाँ भी हमने अरबी लगा रखी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 24x12 इंच में यहाँ पे हमने हल्दी लगाई है जो अभी निकली नहीं है। सामने आप देख सकते हैं तो यहाँ देखिए ये भिंडी भी हमने 24x12 के ग्रो बैग में ही लगा रखी है। तो ये ग्रो बैग में आप लीफी जो वेजिटेबल हैं उन्हें लगा सकते हैं, पत्ते वाली सब्जियां सभी हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये चुकंदर लगाया हुआ है, यहाँ आप देखिए तो ये पालक लगी हुई है और इसकी हाइट है 24x6 इंच, जो 24 इंच इसकी चौड़ाई है और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये 6 इंच के आसपास है, तो ये 6 इंच है। इसमें आप धनिया, पालक, मेथी जैसी चीज़ों को बड़े आसानी से उगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा हमें इससे रिजल्ट भी मिलता है। तो ये कुछ थे ग्रो बैग जो आप अपने गार्डन में सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें सस्ते दामों में हमारे गार्डनिंग स्टोर organicbazaar.net से ख़रीद सकते हैं। साथ में यदि आप अभी मॉनसून की सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो मिट्टी बना लीजिए। मॉनसून की मिट्टी कैसे बनानी है उसकी भी पूरी डिटेल हमारे चैनल पर अपलोड है, आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इस मिट्टी को बनाया था और इन ग्रो बैग में हमने वह सारी मिट्टी को भर लिया है और अब हम इनमें लगाने वाले हैं पौधे। तो अब आप मॉनसून की तैयारी करें तो जब भी आप उसमें जो भी सब्जी का पौधा लगाएं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि सही साइज़ के ग्रो बैग को सिलेक्ट करें तो आपको मेरे गार्डन में लगी हुई सब्जियों के जैसे रिजल्ट मिलेंगे और आप भी ढेर सारी सब्जियां अपने गार्डन से ले पाएंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हैं ग्रो बैग की साइज को लेकर या फिर कोई ऐसा पौधा है जो छूट गया है जिसे आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए किस साइज़ का ग्रो बैग लेना सही होता है तो आप उसे भी कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि किस सब्जी को किस तरह के ग्रो बैग या फिर गमले में लगाना चाहिए। स्पेशली अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ग्रो बैग में सब्जियाँ लगाने की कोशिश करें क्योंकि यह काफ़ी किफ़ायती होते हैं और इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी आसान होता है और इनसे मिट्टी खाली करना और फिर से इनमें मिट्टी भरना भी आसान होता है। तो ग्रो बैग ज़रूर इस्तेमाल करें अपने गार्डन में और देखते रहें टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।